वेलकम टू चैनल। आज मैं सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हूँ और मैं आपको अपने साथ लेकर घूमना चाहती हूँ थोड़े अजीब अजीब लोग देखेंगे आपको सड़कों के ऊपर आपको उन्हें थोड़ा नज़रअंदाज करना पड़ता है क्योंकि ऐसे डाउनटाउन एरिया में यूजली ऐसी चीज़ें होती रहती हैं आ, वैसे कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया थोड़ा ठंडा रहता है आज यहाँ पर फिर भी धूप है पर मैंने देखो अपने <laughs> कोट पहना हुआ है तो वैसे तो कैलिफोर्निया में कोट नहीं पहना जाता पर यहाँ पे थोड़ी ठंडक होती है इसलिए आपको थोड़े मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं अगर आप गर्मियों के कपड़े पहन के आओगे तो आपको बहुत ठंड लगेगी क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत चलती है तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अच्छी तरह धूप निकली हुई है तो मौसम फिर भी ठीक है अगर थोड़ी धूप नहीं होती है तो हवा बहुत चलती है तो बहुत ही ज़्यादा वो होता है ठंड लगती है बाकी यहाँ पे सड़कें बहुत ऊंची नीची हैं तो फिर उसमें भी दिक्कत होती है जैसे आप देख सकते हैं उधर ऊपर जा रही है उधर नीचे जा रही है तो देखिए अब मैं चाइना टाउन की सड़कों पे आ गई हूँ ये जो गुब्बारे जैसे दिख रहे हैं इनको स्काई लैंड्रिन बोलते हैं ये बेसिकली पूरे साल ही यहाँ पे होते हैं जो भी हर किसी कंट्री का चाइना टाउन होता है पर वो जब चाइनीज़ न्यू ईयर आता है तब इसको रिप्लेस करके नए स्काई लैंड्रिन लगाते हैं तो कुछ ऐसा माहौल है और ये देखिए कितनी ख़ाली सड़कें हैं मतलब यकीन नहीं हो रहा है सैनट्रेंस को जैसे जगह भी इतनी ख़ाली हो सकती है आई थिंक कोविड के बाद से इस जगह में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने जगह छोड़ दी क्योंकि एक तो यही है सबसे महंगी सिटी है रहने के लिए तो इसीलिए यहाँ पे खाली दिखेगा मोस्टली पर चलो हमें क्या है देखिए लोग भी हैं थोड़े 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 टूरिस्ट तो नहीं पर लोकल लोग ही दिख रहे थे ज़्यादा तो मैं सीधे सीधे चल रही हूँ आपको दिखा रही हूँ ये स्ट्रीट बड़ी अच्छी लगती है जब पूरे स्काईलाइट्रंस साथ से लगते हैं तो और ऊपर से धूप भी है बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बहुत सारे शॉप्स हैं तो अब मैं रेड लाइट की तरफ जा रही हूँ लोग काफी हेलो हाय बोल रहे हैं सड़क पे काफ़ी स्वीट थे Hello. Uh, Hello. ये देखिए अब मैं इस सड़क पे आई और इस सड़क से ये ब्रिज का व्यू दिख रहा है आई थिंक ये बे ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट नहीं पर यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है ऐसे ऊपर नीचे जा रही सड़क है सड़कें और मतलब ऊपर से जो आ रहे इतनी बड़ी चढ़ाई हो रही है तो ये काफी सुंदर व्यू है अब इस व्यू से शायद आपको थोड़ी बहुत पीछे का दिखेगा चढ़ाई और मेरी हालत खराब होती हुई दिखेगी देखते हैं देख सकते हैं इतनी ज़्यादा तो नहीं दिख रही है पर फिर भी हम काफ़ी ऊपर जा रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी ऊपर की तरफ़ दिख रहा है हालत तो खराब हो जाती है पानी वानी रख के आना चाहिए और जूते चप्पल फ्लैट फ्लाट पहनने चाहिए सर क्योंकि बहुत ही दिक्कत होती होगी फिर तो सांस भूल रही है मेरी क्योंकि एक तो मैंने मोटे कपड़े पहने ऊपर से चढ़ाई हो रही है पर चलो भाई हम तो धीरे धीरे चल रहे आराम से आश कर रहे यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है मैं आपको दिखाती हूँ पानी ये देखिए दोस्तों पानी यानी पैसिफिक ओशन यहाँ से दिख रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं पानी के पास आ रही हूँ और मेरा यही मोटिव है मुझे पानी के पास जाके वॉक करनी है तो यहाँ पे ऐसी रेड लाइट है पता नहीं इस आदमी के पीछे चलती हूँ मैं और फिर क्योंकि ये सारी ब्लिंकिंग है समझ नहीं आ रहा कि इधर से जाएं किधर से नहीं जाएं तो चलो 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 तो अब मैं चाइना टाउन से वॉक करके इधर आई हूँ और कि ये जगह का नाम है फिशरमैन्स वॉर्स तो यहाँ से चाइना टाउन कुछ आधे घंटे की दूरी पे था चढ़ाई ज़्यादा तो नहीं थी थोड़ी थोड़ी थी और आप देख सकते हैं इस जगह में भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए थी क्योंकि यूजुअली प्री कोविड तो इतना भरा होता था कि यहाँ पे बंदे ही बंदे दिखते थे, थे सड़क पे पर अब देख लो खाली हॉट डॉग वाले स्टैंड लेके बैठे हुए हैं इतने सारे हैं। पर कोई है ही नहीं खरीदने वाला वो ये इतने सारे हैं लेकर बैठे हैं पर वो ये इन सब में सिर्फ मीट होता है तो आप वेजिटेरियन ऑप्शन तो यहाँ पर मिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है तो चलो 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 अब हम पानी के पास आ रहे हैं वो गेट दिख रहा है ये छोटी सी क्यूट सी फैमिली को फॉलो करो इनको भी भैया को हेलो बोलो और ये देखो इतना बड़ा शिप है इतना सुंदर लग रहा है देखो यार आओ तो यहाँ से देखो व्यू दिख रहा है आपको पैसेफिक क्वेश्चन का ये बस ये बसेस क्या बोल रही हूँ मैं ये शिप्स जो हैं कभी कभार टूर भी देती हैं पर मुझे नहीं पता ये वाले देती हैं कोई और देती है कुछ डेढ़ दो घंटे का टूर होता है तो यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यार ओह बोल मंगीत भी दिख रहा है कितना सुंदर है यार अब यहाँ पे एक मार्केट लगी हुई है उस वहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या क्या मामला है क्या हालत है ये देखो नीचे ये कबूतर भी चल रहा है एंजॉय कर रहा है भाई यहाँ पे इंसानों की कमी है तो कबूतर ही भाई फ्री है देखिए दोस्तों ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पेंटिंग वेंटिंग हो रही है कपड़े वपड़े बिक रहे हैं और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऐसे गेट यहाँ पे पता नहीं एंट्रेंस अलाउड नहीं है बंद है ये सब कुछ पर पानी के साथ साथ देखो कितना मज़ा आ रहा है चलने में बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग है पर मार्केट में भी देखो यार कोई भीड़ ही नहीं है इतनी हैरानी की बात है देख लो इतनी बड़ी मार्केट लगी हुई है मतलब फिर भी उस हिसाब से कुछ भी भीड़ भी नहीं है वही यही सब जैकेट मिल रही हैं, कुछ खिलौने मिल रहे हैं वैसे यहाँ पे तो बहुत करतब होती थी जादू वादू करते थे लोग सड़क पे डांस वगैरह भी करते थे अब तो कुछ भी नहीं है भाई बंदे दुकान खोल के बैठे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है बहुत ज्यादा अजीब है लागी, लागी तो अभी मार्केट पार्क करके मैं थोड़ी आगे आई हूँ यहाँ पे कुछ खाने पीने की शॉप्स है और ये देखो कितनी चोर होती है ये जो बर्ड्स होती हैं ना सब इनसे दूर ही रहना आपका खाना चुराती हैं इतनी मोटी होती हैं और बहुत अग्रेसिव भी होती हैं तो मतलब यही माहौल है यहाँ पे तो भाई बर्ड्स और इन सब की मौज है यहाँ पे तो कोई इंसान तो है नहीं तो भाई ये लोग फुल लाइश कर रहे हैं बच्चा बुच्चा खाना खा रहे हैं तो देखिए अब मैं ऐसे जा रही हूँ ये यहाँ पे बीच बीच में गिफ्ट शॉप्स है बुक स्टोर्स है और ये क्या है भाई बूडन पता नहीं क्या है बूडन नाम की जगह ये देखो भाई फैमिली कपल्स मैं अकेले घूम रही हूँ वैसे आज तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे यूजली फैमिली के साथ या किसी के साथ दोस्त के साथ किसी के साथ तो अच्छा लगता है घूमने में पर चलो आज नया एक्सपीरियंस है और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्रूज़ की टाइमिंग लिखी हुई है टाइमिंग नहीं मतलब बताया हुआ है कि ये क्रूज़ देती है तो ये दो घंटे का देती है एक डेढ़ घंटे का पर प्राइस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं मुझे लगता है वहाँ पे जाकर उनसे पूछ कर ही प्राइस होता है पर प्राइस भाई महंगाई होगा यहाँ का टू बी ऑनर सैन फ्रांसिस्को में कुछ भी सस्ता तो है नहीं तो चलिए अब मैं आगे जा रही हूँ ये ये समुद्र के साथ साथ एल्का ट्रेस यहाँ का एक प्रिजन है सैन फ्रांसिस्को का तो समुंदर के बीच में है वो पता नहीं यहाँ से दिख नहीं रहा है पर वो समुद्र के बीचों बीच होता है और वहाँ पे बहुत टाइम पहले ना मुजरमों को कैद करते थे क्योंकि जो सबसे खूंखार मुजरिम होते थे ना ताकि वो एस्केप ना कर पाए पानी के बीच में ही तो ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है बोरा अलका ट्राइव मेरे को लगता है उधर ही है सबसे पीछे ये देखिए हाँ जी ये रहा वो प्रेजेंट वहाँ पे मुजरमों को कैद करा जाता था, था भाई ख़तरनाक चीज़ है ये भी बहुत तो ऐसा कुछ माहौल है और फिर अब ये जो है मैं जहाँ जा रही हूँ ये हिस्टोरिक पियर है तो आई थिंक यहाँ पे बहुत पुराने ज़माने की शिप्स जो वॉर में यूज़ हुई थी वो सब हैं तो चलो चलिए देखते हैं और देखो यार यहाँ पर भी एक भी बंदा नहीं है मुझे तो लग रहा है मैं अकेले ही घूमने आई हुई यहाँ पे कोई है ही नहीं तो चलो ऐसे बढ़िया ही है वैसे तो कोई कोई नहीं अपना इलाका टाइप का हो गया है तो फिर चलते 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 हैं ये साथ में इन्होंने झंडा लगाया हुआ है अपना देश का पर ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार यहाँ से पानी ऐसे वेव्स बहती हुई तो पीसफुल है वैसे भी मुझे पानी के साथ साथ चलना मज़ा आता है ये बेचारे एक अंकल जी दिख गए बस एक इकलौते एक, एक आंटी जी भी दिख गए बस थोड़े थोड़े लोग ही दिख रहे हैं यार एक के दुख के कोई ख़ास तो नहीं है पर चलो वो देखो कितनी बड़ी शिप दिख रही आगे देखते हैं उसमें क्या है और ये जो है देखो इन्होंने कुछ बनाया हुआ है भाई पर देखो यार मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि कोई भी बंदा नहीं आया यहाँ पे घूमने देखिए दोस्तों ये वॉरशिप के अंदर की जो सम्परिन है उसके इक्विपमेंट है ये, ये देखो ये लोडिंग है जो है ये बैटरी है ये पंखा है तो ऐसी ऐसी भाई कमाल की चीज़ें इतनी बड़ी है भाई वो शिप भी इतनी बढ़िया सम्परीन तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी इतनी बड़ी हैं तो यही है ये जो सम्परीन यूज़ करते थे बैटल फील्ड में यूज़ हुई थी जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ तो देखो भाई सम्परीन खतरनाक है भाई देखो भाई तो यहाँ से चलते हैं देखते हैं ये संबरिन का ना टूर भी होता है पर अभी बंद लग रहा था क्योंकि लोग है ही नहीं तो ये जो पीछे था दुकान वहाँ पे आई थिंक टिकट खरीद के आप जा सकते हो तो देख देखो भाई मेरे आगे दो सहेलियाँ चल रही हैं मज़े से टूर ले रही हैं और मैं यहाँ पे अकेले अकेले चल रही हूँ आपको दिखा रही हूँ चलो कोई नहीं अकेले तो नहीं हूँ आप लोग भी हो मेरे साथ तो चलिए वो जो है ना आगे वाली समरीन या शिप जो भी बोलते हैं इनको समरीन समरीन लिखा हुआ है वैसे तो मुझे शिप लग रही है पर ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी लग रही है भाई इतनी बड़ी है ना ये मतलब हद से ज़्यादा तो कुछ ऐसा माहौल है बाकी देखो ये भी रस्सियों से बांध के रखी हुई है काफ़ी पुराना जंक लगा हुआ है और यहाँ पे ये देखो ये टूर वाला हो रहा है मेरे को लग रहा है ये टूर वाली शिप्स हैं जो सैन फ्रांसिस्को टूर देती है तो उसकी टाइमिंग होती होंगी तो ऐसा कुछ माहौल है काफ़ी सैड सा माहौल है यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि एक तो ये सारी वॉरशिप्स हैं ऊपर से यहाँ पे कोई बंदा नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ सैड माहौल वाइब्स हैं पर एक बात यहाँ की अच्छी है कि एक तो देखो एक और बात कि ये पानी के पास पास आपको वो प्रिजन भी दिख रहा है तो भाई जेल भी है ये वॉर की शिप्स भी है लोग भी नहीं हैं तो पूरा माहौल एकदम सेट है यार तो कोई बात नहीं पर पानी तो है पानी की लहरों की आवाज़ बहुत ही रिलैक्सिंग लगती है पर ये देखो ओपन लिखा हुआ है वो जो आगे वाली शिप है ना उसका टूर ले सकते हो पर मुझे तो भाई जाना नहीं है देखने पर मैं तो बस देख के इंजॉय कर रही हूँ पर वही है जिसको ज़्यादा शौक है हिस्ट्री का और अंदर से देखना है कि भाई कैसा होता है तो वो ये सारी चीज़ें कर सकता है देखो भाई बॉर्न इन वर्ल्ड वॉर टू बहुत ख़तरनाक है कितने लोगों को मारा होगा भाई इन लोगों ने अभी भी ट्रस्ट की नहीं हुई है सीधी खड़े हुई है म्यूजियम बन गया है और लोग इन्जॉय कर रहे हैं पर भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है ख़तरनाक है वैसे तो देखो इतनी आगे आ गई हूँ मैं पर कोई बनता नहीं है यहाँ पर तो भाई पंछी पक्षी तक नहीं दिख रहे हैं ऐसे इतनी सारी रस्सियों से बांधा हुआ है इसको पर बहुत ही भारी होगी भाई पता नहीं कितना वेट होगा इसका तो चलो भाई चलते चलते आगे चलते हैं यहाँ पे क्या है देखो क्या लिखा है मैसे फायर भी लग चुकी है इसको तब भी आग लग के भी नहीं भुजी भाई इतनी खतरनाक है पता नहीं कौन से लोहे की बनी है आग भी लग गई तब भी वैसी की वैसी है लग भी नहीं लगे जली हुई है तो भाई देखो ऐसा कुछ माहौल है अब यहाँ पे दो चार लोग दिख गए हैं लगता है शिप टूर से आए हैं टूर का क्या मतलब है मतलब अंदर टूर तो नहीं होता है पर आप ये जो देख रहे हो ना आगे सीढ़ी लगी हुई है सीढ़ी और सीढ़ी के आगे की छोटी सी दुकान है वहाँ से टिकट खरीदते हैं और ऊपर जाते हैं पर मुझे तो जाना नहीं है तो फिर मैं बस इतना ही यहीं तक देखना चाहती हूँ तो देख लो यार एक बार और पूरा फुल व्यू पूरा खाली और यहाँ से थोड़ा बहुत शहर दिख रहा है थोड़ी सी स्काई पार्किंग है तो ऐसा ही है कुछ आगे अमेरिका का झंडा लगा हुआ है पर लोग जो आगे मेरे जा रहे हैं मुझे लग रहा है वो ले रहे हैं अंदर तक जाएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा चलो अभी इस बार तो मैं नहीं गई हूँ पर अगर नेक्स्ट टाइम होगा तो देखते हैं जाकर कैसा होता है पर जगह ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी डिफरेंट थी जगह ये Hello. अच्छे अच्छे फ्रेंडली फ्रेंडली लोग हैं बूढ़े लोग तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है जो बूढ़े हो जाते हैं इतने ज़्यादा भोले हो जाते हैं जैसे बच्चे होते हैं बहुत ही क्यूट लगते हैं तो मुझे बूढ़े लोग तो बहुत पसंद है आहा यहाँ से भी क्या शानदार व्यू हो देखो पूरा समंदर पीछे भी ऐसे भी पर चलो समंदर के साथ साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है इतनी मतलब ठंडी ठंडी मतलब हवा तो नहीं है पर ठंडा क्या है मौसम में और छाव भी है तो बड़ा अच्छा लग रहा है पहले वहां पर मैं चल रही थी तो इतनी गर्मी थी इसकी कोई हद नहीं पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं सैर करके ये गोल्डन गेट का हिस्टोरिकल पार्क आई हूँ जहां से बहुत ही सुंदर समुंदर और हमारे सुंदर से गोल्डन गेट का भी व्यू है आज काफी धूप निकली हुई है तो पूरा अच्छा लग रहा है था ग्रीन ग्रीन और तो ये सड़क यहाँ पे भी खाली है देखो और ये जो है चॉकलेट यहाँ की मशहूर है गेड तो देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे अपने लास्ट स्पॉट पे आई हूँ वापस आ रही थी तो वापसी में भी चाइना टाउन आ गया है और ये दुकान काफ़ी इंटरेस्टिंग थी देखो यहाँ पे देखो चूड़ियाँ भी पहनते हैं चाइनीज़ लोग भी यार सुंदर लग रहे हैं और चूड़ियाँ हैं अंगूठियाँ हैं ये भी अलग टाइप की अंगूठियाँ हैं स्टोन्स की बनी हुई हैं और भी क्या क्या सामान है कुछ ज़्यादा पता नहीं है पर इंटरेस्टिंग है और ये इनके टॉय वॉय हैं जो टॉय तो नहीं पर है कुछ भाई यूज़ करते हैं ये टेडी बियर है ये नेकलेस है थोड़ा इस टाइप की काफ़ी वैरायटी है इस दुकान में देखो ब्रूसली का पोस्टर लगा हुआ है ये फ्रिज के जो मैगनेट है ये काफ़ी क्यूट लगे मुझे काफ़ी डिफरेंट थे बहुत ज़्यादा क्यूट है बाकी तो आपके लोकल सैन फ्रांसिस्को के टूरिस्ट वाले टिपिकल वाले हैं फ्रिज मैगनेट्स ऐसा कुछ माहौल है और बहुत सारी मूर्तियाँ इनके भगवान की भी मूर्तियाँ यहाँ पे बुद्धा जी की भी मूर्ति है तो काफ़ी मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पे वैसे तो कोई दुकान का शॉपकीपर पूरी खाली लग रही है काफ़ी बड़ी थी दुकान में भी अंदर होंगे तो ये देखिए प्राइस इनका पाँच पाँच पीस बारह डॉलर के एक पीस तीन डॉलर का तो वो ये महंगा तो है और ये देखिए ये रामन के वो फ्रिज मैगनेट बनाए हुए हैं देखो चॉपस्टिक पकड़ी हुई है नूडल लिपटे हुए हैं नीचे सब्जियाँ हैं काफ़ी क्यूट था ये बाकी ये देखो ये अलग अलग टाइप के हैं गोल्डन गेट का बना हुआ है ऐसा कुछ काफ़ी वैरायटी है नीचे पेंटिंग पोंटिंग भी है और ये भी है इनके पास हाथ में पहनने वाले बीड्स के ब्रेसलेट काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये काफ़ी वाइब्रेंट थे पर ये आई थिंक एक पीस दस डॉलर का था तो काफ़ी महंगा है यार ये दिल्ली में तो अपने सौ रुपये क्या तीस रुपये तक के मिल जाते हैं अगर थोड़ी कर लो आप लोग बार्गेनिंग तो ऐसा कुछ माहौल है पर ये काफ़ी क्यूट है यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी तो बढ़िया लगा पर मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि सबसे ज़्यादा क्यूट है इंटरेस्टिंग है आपके घर में भी लगा होगा तो अच्छा लगेगा ये यहाँ की केबल कार है जो सड़कों पर चलती है तो ये भी एक सैन फ्रांसिस्को का सबसे अलग सा है तो ऐसा कुछ माहौल है तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ आशा है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करिए और लाइक करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस थैंक यू सो मच सी यू नेक्स्ट टाइम